भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा की ओर से सिविल अस्पताल में बनाए गए शौचालयों का उद्घाटन करके उन्हें लोकार्पण किया गया और इसकी जानकारी में उन्होंने बताया कि 14.2 लाख की लागत से बनने वाले इन शौचालयों के अभाव के बारे में लोगों की लंबित मांग थी कि उन्हें इन शौचालयों के ना होने से दिक्कत है, इसलिए गुरदासपुर के सांसद सनी देओल ने लोगों की समस्याओं को समझा और शौचालय बनाए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने एम्बुलेंस का सहयोग भी गुरदासपुर सिविल अस्पताल और पठानकोट सिविल अस्पताल को दिया था। इसके साथ साथ सांसद सनी देओल अपनी लोकसभा में विकास कार्यों के लिए भी आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए वे सांसद सनी देओल के आभारी हैं। ऐसा कि साढ़े मानजोग सांसद सनी देओल जी ने अपने निजी फंड चो हॉस्पिटल पठानकोट के अंदर सुलभ शौचालय का प्रबंध करवाया और ये उत्ते 14.2 लाख रुपया जोड़ा वो लग्या। इतने जरूरत भी बहुत ज़्यादा सिविल हॉस्पिटल के अंदर और 24 घंटे बंदा इतने रहेगा जोड़ा कि नाल ही सफाई करता रहेगा, नहीं तो की होंगे शौचालय बन जाते हैं, बाथरूम बन जाते हैं, बाद चुना बहुत बुरा हाल होंगे, ना सफाई होंगी ना पानी का प्रबंध होंगे। मैं सनी देओल जी का धन्यवाद करदा और केवल यही नहीं, हूँ उन्होंने पिंडा के अंदर भी सुजानपुर भोआ पठानकोट गुरदासपुर और अपनी विधानसभा दे अंदर पेंडू उसारी दे लिए भी बहुत सारिया ग्रांट जी हैं अलाट की हैं और विकास के इस कार्य के अंदर वो लगे हुए हैं और एम्बूलेंस भी सिविल हॉस्पिटल उन्होंने पूरी दी है। हुणे हुणे तुहानू पता होएगा कि जिहड़ा भोए दे अंदर 2 पुलों का निर्माण होने जा रहा है, जिहदी शुरुआत काफ़ी लंबे समय तो भारतीय जनता पार्टी उहदी डिमांड कर रही थी और बहुत सारे नेतावां ने उस तों योगदान भी पाया और ऑक्सीजन प्लांट जिहड़ा पठानकोट हॉस्पिटल नूं प्रधानमंत्री जी योजना तहत मिलिया, ये इस गल का प्रचायक है कि सनी देओल जी अपने खेत्र के विकास को लैके संवेदनशील है। अज मैनू इत्थे उद्घाटन करन का मौका मिलिया, मैं उन्हों का भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता वालों आभार प्रकट करता और इस प्रकार वो जनता की सेवा च लगे रहन ये मैं उम्मीद है। विरोध करन दा सबनों अधिकार है जी। जिहड़ा प्रश्न तुसी मैनू अज कीता है ये प्रश्न कभी उन्हां तो दूसरे ही साइड पर भी किया कि क्या विरोध के नाँ के उत्ते पत्थरबाजी करना, डंडे चलाना, पार्टी नू कार्यक्रम करन तो रोकना, ये क्या जायज़ है क्या? नाले जो तक उतों की घटना का सवाल है, उतों की स्थिति का मैनू पूरी तरह नाल ज्ञान नहीं है कि उत्थे की हालात बने और क्यों ऐसी कार्रवाई हुई, लेकिन मैनू ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के अंदर विरोध करन दा पूर्ण अधिकार है, लेकिन दूसरों नू अपनी गल करन दा भी पूर्ण अधिकार है। दोनों साइडों के उत्ते शांति जिहड़ी है वो बनी रहनी चाहिए। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज बोंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।